वेलकम टू रेड ऑन वेब टीवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनबॉक्सिंग के लिए आर्डुइनो कंपनी का महफिल MH701। आज हम महफिल MH701 की अनबॉक्सिंग करेंगे और कुछ आपको आर्डुइनो के हवाले से, पोर्टेबल स्पीकर्स के हवाले से अपडेट्स भी दूंगा और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका साउंड डेमो लेंगे, इसका रिव्यू आपको देंगे, इसका प्राइस अपडेट आपको देंगे। तो जनाब, मैं अपडेट आपको दे देता हूं कि आर्डुइनो कंपनी जो है वो इस वक्त कंपटीशन में मार्केट में कूद चुकी है। और जैसे कि इसकी महफिल की सीरीज थी जो कि तकरीबन 12 इंच का जो इसका स्पीकर था MH40 MH40S, वो 25,000 से अबव जाके खड़ा हो गया था। सेकंड, इसी तरीके से इसके जो MH1212 और MH1515, ये सब 50,000 से ऊपर चले गए थे। तो अब आर्डुइनो ने जो है वो एक रिवर्स गियर मारा है और रिवर्स गियर मारा है, उसने क्वालिटी थोड़ी सी लो की है, मटेरियल की क्वालिटी लो की है, आवाज़ की क्वालिटी लो की है और कुछ आइटम्स जो के जैसे कि ये सेट है, इसके साथ स्टैंड देते थे ये 12 इंच के साथ, वो स्टैंड ख़त्म कर दिया। माइक मेटल में होता था, माइक प्लास्टिक में कर दिया टोटल। और कुछ इन्होंने रिवर्स गियर मारा है प्रोडक्ट को जो है वो इन्होंने थोड़ा सा लो कॉस्ट पर लेकर आए और मार्केट में कंपटीशन पे इन्होंने माल फेंका है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, जो महफिल सीरीज के इसके पुराने वाले स्पीकर्स थे सारे, उन सब का काम इनका ख़त्म हो गया है, उनकी नई प्रोडक्शन अब नहीं हो रही है और ना प्रोडक्शन होगी, ना वो आएंगे सेट। तो अब जो सेट की सीरीज आएगी वो जैसे कि MH701, इसमें MH702, MH703, ये तीन मॉडल इसके जो है वो इस वक्त लॉन्च किए हैं मार्केट में। 12 इंच के स्पीकर के साथ हैं और वायरलेस माइक के साथ है, रिमोट है, रिमोट की क्वालिटी इन्होंने ख़त्म कर दी है, रिमोट इन्होंने छोटा वाला दे दिया जो कि 3 से 4 हज़ार वाले स्पीकर्स में होता है, और बड़ा वाला रिमोट इन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक्स्ट्रा केबल्स इसके साथ जो होती थी डीसी वाली, वो कनेक्शन इन्होंने ख़त्म कर दी है इसमें से, और डीसी का फंक्शन कोई भी नहीं, अलग से बैटरी लगा के आप नहीं चला सकते। जस्ट लाइक क्लासिक मस्ती 85 और MH801 इस टाइप के जो स्पीकर्स हैं उनकी ये बड़ी फॉर्म है। ठीक है जी, अनबॉक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई बातें करते हुए, इसको निकाल लेते हैं बाहर और फिर इसको दिखाते भी हैं। और प्राइस इसका मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा या दरमियान में दूंगा, वीडियो में साथ रहिएगा। ओके जी, इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जैसा कि इन्होंने दिखाया है कि बिग बैटरी और बैटरी बैकअप बाकी इसका ज्यादा होगा क्योंकि सर्किट इसका जो है इन्होंने कन्वेंशनल छोटा कर दिया है। बिग HD साउंड भी ज्यादा है, बिल्कुल हमने सुना है साउंड ज्यादा है, क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, लाजमी बात है। TWS टेक्नोलॉजी, ऐसे ही दो सेट आप आपस में पेयर कर सकते हैं बगैर वायर के। फिफ्थ जनरेशन ऑडियो सिस्टम्स जितने भी हैं वो सब TWS कनेक्टिविटी होते हैं। इको का इसमें वॉल्यूम दिया है, इसमें रिवर्ब डिले आई थिंक नहीं होगा, लाइव रिकॉर्डिंग इन्होंने दे दी है, RGB लाइट्स का इफेक्ट दे दिया है। ओके जी, सेट को बाहर निकाल लेते हैं। ये आ गया है जनाब सेट। अच्छा जी, ओके जी, देखें सामान खत्म हो गया और कुछ नहीं निकला इसके अंदर से। अच्छा जी, सेट को बाहर निकाल लेते हैं। सेट हमारा आ गया है, सेकंड हमारा माइक आ गया है और सामान क्या क्या है इसके अंदर वो निकाल लेते हैं। एक इसके अंदर एडवांस फीचर है जो कि अभी किसी और कंपनी ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, यूजर मैनुअल गाइड आ गया है इसके अंदर, 1 ईयर की वारंटी मिल गई है आपको। सेकंड, रिमोट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1200-1300 वाले जो स्पीकर्स होते हैं उनमें ये वाले, अक्सर लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में भी जो स्पीकर डैक लगे होते हैं उनमें भी यही होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। चाइना की किट लगी हुई है बिल्कुल लोकल वाली। अच्छा जी, ये इसकी चार्जिंग की केबल है, चार्जिंग की केबल उन्होंने अच्छी दी है, लोकल नहीं है बिल्कुल, आप इससे मोबाइल भी चार्ज अपना कर सकते हैं। अच्छा जी, एक फीचर है जो कि आर्डुइनो ने दिया है, नया फीचर है, माइक जो है वो पूरा प्लास्टिक में इन्होंने कर दिया है। एंड सेकंड, यहाँ पे ऑन ऑफ का इसका बटन दे दिया है और एक सेल दिया है साथ। अच्छा, सेल जो है ये रिचार्जेबल सेल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वो एंड्रॉयड केबल 5 वोल्ट से चार्जिंग है, यानी कि आपने इसमें सेल लगाना है और इसको चार्जिंग पे लगाना है आपने। अब आपको सेल बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको चार्ज करें और चलाएं। ओके जी, ये जो फीचर है चार्जिंग वाला जबरदस्त है, कम से कम 50-60 रुपए का एक सेल पड़ता है और वो भी मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम में खत्म हो जाता है, तो ये रिचार्जेबल सही है, आप चार्ज करते रहें और चलाते रहें।
अच्छा जी, अब डेक की बात कर ले, स्पीकर की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्पीकर को अगर हम सामने से देखेंगे तो मेटल कहीं पर भी नहीं है, पूरा प्लास्टिक की सिंपल एक बॉडी में ये बना हुआ है। और फ्रंट जो है वो इन्होंने 8 GB लाइट है, बैक साइड में ऑन कर लेते हैं इसको। Audionic, the sound master. Bluetooth mode. अच्छा जी, ये 8 GB लाइट आ गई है बैक साइड पे, और बिल्कुल जैसे पुलिस की गाड़ी बहुत स्पीड से गुजर रही है। यहाँ पे ऑडियोनिक का लोगो आ गया है, यही मेटल में, बाकी सब कुछ प्लास्टिक में। फ्रंट इन्होंने इससे कवर कर दिया। यहाँ पे ट्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ डमी होता है, यहाँ पे कोई ट्यूटर नहीं होता, हमने खोल के भी देखा हुआ है, कोई वायरिंग शायरिंग नहीं होती इसके अंदर। अच्छा जी, मटेरियल जो है नॉट बैड, दरमियाने लेवल का इसका मटेरियल है, और क्वालिटी जो है वो दरमियाने लेवल की है इसकी, बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं। यहाँ पे इन्होंने व्हील दे दिए, ये ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, चले व्हील तो रहने दिए, वरना कई कंपनीज ने तो व्हील ही निकाल दिए। ओके जी, ये ट्राली बन गई है आपकी मूव करने के लिए। यहाँ पे एक हैंडल आ गया है आप कैरी करने के लिए। अच्छा, बैक साइड पे हम देखेंगे तो ये जो एक वॉल्यूम है सबसे टॉप वाला, यही ऑन है, यही ऑफ है, और यही मास्टर वॉल्यूम है। देखें जी, ये जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे आप वायर माइक लगा सकते हैं, ऑक्स कनेक्टिविटी है, USB है, और मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं। सेकंड, इसमें बेस और ट्रेबल का वॉल्यूम दिया हुआ है, ये बेस है और ये ट्रेबल है इसकी। एंड सेकंड, यहाँ पे इको दिया हुआ है, ये माइक का वॉल्यूम है, रिपीट डिले नहीं है इसके अंदर। ये स्क्रीन लगा दी इन्होंने एक छोटी। अच्छा, मटेरियल जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मटेरियल इसका दरमियाने लेवल का है, नॉर्मल मिडिल मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाईफाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लोकल भी नहीं है, वरना कुछ कंपनीज के आ रहे हैं, बल्कि आडियोनिक के कुछ मॉडल ऐसे आते हैं कि उसमें ये जो है बिल्कुल खुरदरा सा होता है, अजीब सा। तो साइज़ 12 इंच का है इसके अंदर, और इसकी हम बात कर लेते हैं तो प्राइस इसका 13,500 रुपये है रिटेल प्राइस, जो कि मार्केट में आपको आम जाम पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगा। 3 वेरियंट है इसमें, 701, 702, 703। फ्रंट से जो है वो जो लाइट जल रही है यहाँ पे, इसकी जो डिज़ाइनिंग है थोड़ी सी चेंज है, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो ठीक है जी, इसका साउंड डेमो ले लेते हैं। और हेलो 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 वेलकम टू रेडॉन ट्रैक रिव्यू। अच्छा जी, माइक मैं टेस्ट करना चाह रहा था, लेकिन अब वो ये कंफर्मेशन जब होगी कि जब मैं इसको चार्ज करूंगा फिर पता चलेगा कि मेरी पॉसिबिलिटी के बैट माइक इसका चार्ज ही नहीं हो, क्योंकि मैं जब इसको बिल्कुल अपने लिप्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये बोल रहा है, जैसे कि आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, क्योंकि ये आवाज़ कैच ही नहीं कर रहा। जैसे आडियोनिक के माइक होते हैं कि हम यहाँ से भी अगर दूर भी रखते हैं, 3-4 इंच दूर भी रखते हैं तो आवाज़ को कैच करता है वो, तो ये स्पेशलिटी आडियोनिक की है और ये होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अगर इन्होंने ड्रॉबैक हो जाएगा अगर ये इन्होंने माइक के अंदर छेड़छाड़ कर दी। बिल्कुल मैं यहाँ पे लिप्स रख रहा हूँ तो ये बोल रहा है हेलो 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 जी। ऑडियोनिक को अपनी जो है वो एक माइक की जो प्रेजेंटेशन है वो क्लियर रखनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत डिस्टरबेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। अब ये कंफर्मेशन होगा भाई, हम चेक करेंगे तो फिर बताएंगे आपको। बाकी चलें वीडियो में आगे चलते हैं। NCS का ट्रैक लगा लिया और उसको पेयरिंग कर लिया ब्लूटूथ से। ठीक है जी, साउंड डेमो आपको दे देते हैं इसका। Sometimes I can't tell.
साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया है। साउंड डेमो हमारा कंप्लीट हो गया है और साउंड इसका जो है वो तकरीबन आप समझे कि MH-40 जो सादा वाला था MH-40 या MH-40S जो RITWS वाला, तो तकरीबन उसी के जैसा है। 19-20 ही फ़र्क है, मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि मैं यहाँ से वॉल्यूम मैंने अभी टोटल 40% पे मैंने वॉल्यूम खोला था, 100% नहीं खोला था मैंने। तो लाउडनेस इसकी ज़्यादा है, साउंड भी ज़्यादा है और साउंड अच्छा है। बेस और ट्रेबल इन्होंने दे दिए, आप कंट्रोल करके चलाएं तो साउंड आपका अच्छा बन जाएगा। 13,500 रुपये में बहुत ज़बरदस्त सौदा है, यानी कि आधी कीमत में MH-40S और MH-40 जो है तकरीबन 27,000 रुपये का है। तो आप अगर ये लेंगे तो 13,500 रुपये में आधे कॉस्ट में आ गया आपका, तो पैसे बचाए ये वाला सेट ने। स्टैंड वगैरह उसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसमें स्टैंड नहीं है। बाकी साउंड की क्वालिटी मेरे हिसाब से 13,500 रुपये के हिसाब से परफेक्ट है, 10 में से 9 नंबर है। ठीक है जी, वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।